प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रिय बहनों, आज के मनन के लिए आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 10वीं अध्याय 7वीं आयत। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। यीशु ने वास्तव में अपना वह कार्य पूरा किया जो पृथ्वी पर करने के लिए पिता द्वारा उसे सौंपा गया था। यूहन्ना की 17वीं अध्याय 4वीं वचन में हम पढ़ते हैं, इस अध्याय को यीशु की महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मसीही वह है जिसने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया है और वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसको परमेश्वर की इच्छा के अधीन करता है। इस समस्या को हम प्रत्येक लोग जो विश्वासी है सामना करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार जाने। इस दुनिया में यीशु ख्रिस्त का जीवन परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण समानता का एक सिद्ध उदाहरण है। जैसे प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर एक विशेष कार्य पूरा करने के लिए सौंपा गया था, वैसे ही प्रत्येक विश्वासी को भी एक विशेष कार्य सौंपा गया है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रभु से मालूम करें कि हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है। हम इफिसियों के 2:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष कार्य और कर्तव्य निर्धारित किया है। इसलिए जैसा हम इब्रानियों 12वीं अध्याय का 1 में पढ़ते हैं, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हम में से हर एक के लिए अलग अलग दौड़ निर्धारित है। इसलिए प्रिय बहनों, आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है वह अत्यंत व्यक्तिगत है, यह केवल आप ही के लिए है। हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जैसे हम वचन संहिता 32:8 में पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यशायाह 30:21 में पढ़ते हैं, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है इसी पर चलो। परमेश्वर अपने आत्मा से वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर की योजना विस्तृत, निश्चित और विशिष्ट है। मनुष्य की गति यहोवा परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर हमेशा जीवन भर के रास्ते को प्रकट नहीं करता, परंतु वह एक एक कदम पर रास्ता प्रकट करता है। जैसे हम वचन 143:8 में पढ़ते हैं, जिस मार्ग से तुझे चलना है वह तुझको मुझको बता दो। हमें परमेश्वर की को हमारे लिए क्या योजना है उस विषय में परमेश्वर से पूछताछ करना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे स्वार्थता के कारण और अपनी योजना को पूरा करने के प्रयास में परमेश्वर की योजना से हम भटक सकते हैं। हम अपने जीवन के लिए स्वयं योजना नहीं बना सकते। यिर्मयाह 10वीं अध्याय का 23 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसका डग उसके अधीन नहीं है। केवल परमेश्वर ही भविष्य को जानता है
और वही हमारे मार्ग को चुनने में सक्षम है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, यह जानने के लिए हमें पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना चाहिए। हमें अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए और धीरज से उन पर आसरा रखना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की प्रेरणा और बाहरी परिस्थितियां तालमेल में है, तब हम निश्चय कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन का विवरण जानने के लिए हम बहुत अधिक प्रार्थना करें। प्रभु हम सब की सहायता करें। आज का दिन हम सब के लिए शुभ हो। प्रभु की नाम की स्तुति हो।